आप देख सकते हैं वहाँ पे कार्य चल रही है, यहाँ पे मतलब हो चुकी है लगभग, वहाँ पे पूरा हो चुका है। वहाँ पे अभी हम बीच वाले पर उसके बारे में अध्ययन करने जाएंगे, उसके अंदर की ओर जा करके आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं। चलेगा आपका जानते हैं, एक डेढ़ महीना चलेगा। डेढ़ महीना में कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, एक डेढ़ महीना में नहीं कंप्लीट होगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 15 दिन में। उसके बाद तब ढलाई वाला कार्य, ढलाइया का फिर कार्यक्रम होगा, शुरुआत होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Heaven just knows what it wants. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I find it hard to let go. तो मेरे साथ यहाँ पे फिडे के सर जुड़ चुके हैं, ये हमारे इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। चलिए आइए इनसे कुछ सीखते हैं। मॉडल बनाया गया था पहले उसके स्ट्रक्चर के, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से खड़ा हो रहा है। रेलवे के द्वारा ये मॉडल तैयार किया गया है, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसमें कार्य अपना कर रहे हैं। और ये देखिए जो सरिया खड़ा हो रहा है, लेबर लोग खड़ा कर रहे हैं, और ड्राइंग के अनुसार ही काम होता है। जो भी इसमें बॉटम में लगा है 32 mm का, और फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर दो लेयर होता है नीचे में, और दो लेयर ऊपर ऊपर में 20 डाया के सरिया है, नीचे में 32 का। और इसका जो वेंडर है आउटर का वो 16 mm का सरिया है, और जो वर्टिकल है ये 36 डाया का है। दोनों की जो डेप्थ है राफ्ट का वो 2.3 meters है, समझ रहे हैं। अगर पूरा ढल लेगा इसके बाद, इसमें बाद में पाया जो है ना, और राउंड जो रिंग जो बना हुआ है यहाँ से वहाँ तक का, हाँ हाँ दिख रहा है, वो जो गोला रिंग जो टेम्पलेट किया हुआ है उसी, वो पाया का ही रिंग है पियर का, उसी रिंग के अनुसार हम लोग ड्राइंग के अनुसार रिंग तैयार किए हैं। उसी के किनारे किनारे में पूरा सरिया स्पेसिंग में जो होगा खड़ा होगा, इसके बाद से वहाँ स्ट्रक्चर चलेगा ऊपर। ये इसको तो भी ढलने में 1 हफ्ता लगेगा। अच्छा, इसके ढालने के बाद तब ऊपर कार्य चलेगा? ऊपर कार्य चलेगा, क्योंकि वो जो इसका जो नीचे का जो पैर है वो जाम हो जाएगा, तभी जा करके ऊपर का कार्य हम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे वो सर वहाँ बैठे हुए हैं, फिटर के सर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है यहाँ। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। लगता है आगे बढ़ने की हालत तो नहीं है, हम टीवी देख ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं आप सब के लिए।
फिर घर पे वापस जानने की कोशिश करते हैं। ओ हाँ, ये देखिए, ये है हाइड्रोलिक कटर मशीन है। यहाँ पे सरिया को डाल करके ये जब उधर से ऑन करते हैं तो ये अंदर की ओर आता है और सरिया अच्छी तरह से कट जाता है। ये सरिया कटिंग की मशीन है। ख्वाबों में कलम की नोक से फ्यूचर ऐसा गड़ा है, जब कोशिशों में सूख जाए गला है तो समझो लालच कला है। हिमा नदी में बनाया जाता है या आगे चल कर कन्हा नदी में मिल जाती है या उस साइड दिघुल से आती है। और वो जो सड़क देख रहे हैं आप, सड़क कन्हा तब देख सकते हैं, वो जो सड़क जा रही है वो कन्हा पुल की हो जाती है, जो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पे कन्हा डैम बन रहा है वो वहाँ तक पहुँचा देती है। कन्हा डैम यहाँ का लगभग सबसे बड़ा डैम बन रहा है, जिससे पहले रेणुकूट में था डैम, उसके बाद वही कन्हर पुल बन रहा है। लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है यह। अभी हम खजूरी गांव में हैं और जस्ट 1 किलोमीटर उस तरफ जाने पे दुद्धी है, अपना दुद्धी। Heaven just knows what it wants. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I find it hard to let go. How heavy is that? Light work and the bass on the track on my face in the back, like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight.